हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अक्स इंडियन गेम्स में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं हॉर्स लैंड रेट्रोस्पेक्टिव, क्योंकि मेरे एक एविल लर्न वाले वीडियो पे मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये इस गेम की रिक्वेस्ट की थी। वैसे जब मैं इस गेम को डाउनलोड करने गया तो इसका रेटिंग देख के मुझे तो मन नहीं हुआ, बट मैंने देखा कि ये गेम 1 GB की है तो सोचा कुछ तो अच्छा होगा ही। बट अभी गाइस बताओ तो मुझे ये गेम कुछ खासा पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एड्स आते हैं और ग्राफिक्स भी बहुत ही ज़्यादा पुराना 90s का लग रहा है। बट कोई नहीं, सबकी अपनी पसंद होती है। वेल, चलते हैं गाइस और इस गेम को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस गेम में बेसिकली एक जू है जो कि भूतिया है, और उस भूतिया जू के केयर टेकर ये अपने स्केलेटन वाले चाचा हैं जो कि पूरे हीरो स्टाइल में आ रहे हैं और कुछ अपनी बातें बोल के हम लोग को डराने की कोशिश करेंगे। बट हम लोग कहाँ इनसे डरने वाले, हम भी लोग ठीक ही हैं। सो बेसिकली गाइस, गेम की स्टोरी ये है कि 5 दोस्त होते हैं जो कि अपने हॉर्स के साथ पिकनिक पे जाते हैं, और उसी में से एक दोस्त ये भूतिया जू में गलती से आ जाता है, और उसे कैसे भी करके हमें इस जू से बाहर निकालना है और उसके दोस्तों के पास पहुंचाना है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इस गेम को। और हमें बाहर निकालने के लिए हमें 4 ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमें इस जू में ढूंढना पड़ेगा, और उसको ढूंढ के इस डोर को अनलॉक करना पड़ेगा यहाँ के मेन गेट को। तो फर्स्टली हम लोग यहाँ से चलते हैं, और यहाँ पर एक ट्रैक बना होगा, हमें उस ट्रैक पर चलते हुए जाना है। और वो सामने एक क्रोबर दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट वो है, उसको हमें पहले यहाँ से लेना है और लेफ्ट साइड ध्यान में देना है। हमें ट्रैक पे ही सीधे चलना है, और यहाँ से हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, और यहाँ से हम चलते हैं सीधे। ऑब्जेक्ट मिलने के बाद हमें टॉप राइट कॉर्नर पे हमेशा ध्यान देना है एरो को, हमें उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से चलना होगा। और यहाँ पर लेफ्ट साइड गोल्ड दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, क्योंकि गोल्ड कलेक्ट करने के बाद हम लोग के पास टॉर्च तो है बट उतना इसका लाइट नहीं है, तो हम यहाँ से लेफ्ट साइड से टॉर्च का लाइट बाई करेंगे 300 गोल्ड में। और ये हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, ये मेगा इन करके है, इसी के पास यहाँ पे ये टॉर्च है, और यहाँ से हम लोग बाई करेंगे लाइट, क्योंकि हम लोग के पास ऑलरेडी टॉर्च है। यहाँ से 300 गोल्ड से बाई करेंगे, और ये हम लोग ने बाई कर लिया। और देखिए गुड गाइस, हम लोग का टॉर्च का लाइट ब्राइट हो गया, और यहाँ से हम लोग ये ट्रैक पे फिर चलेंगे। गाइस, ये स्टोरी पूरा गेम की ट्रैक के ही अकॉर्डिंग है, यानी कि हमें ट्रैक पे ही चलना होगा, जिससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी हम लोग को इस गेम को क्लियर करने में। फिर हम लोग ट्रैक पर आ गए, और ट्रैक और प्लस हमें टॉप राइट कॉर्नर पर ये एरो को ध्यान देना पड़ेगा, हमें एरो को ये सीधे वर्टिकली सीधे हम लोग उसी के लाइन पे चलेंगे, और यहाँ पे सीधे इस साइड आ गए, ये हॉटस्पॉट के साइड, और यहाँ से तो सामने से रास्ता नहीं है, तो सो हम लोग यहाँ लेफ्ट से कट लेंगे। और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से फिर अगेन ये है मेन डोर, और यहाँ पे हम लोग जाके ये क्रोबार का यूज करके पहला गेट खोलेंगे, और यहाँ पर कैनन रखा हुआ है, और ये क्लीन कर देते हैं हम लोग वाटर को। और यहाँ ये मेन गेट है गाइस, इसी को हमें ओपन करके यहाँ से स्केप करना है। सो पहला डोर अनलॉक हो गया यहाँ हमारा, और ये सामने से गेट से इस बार नहीं जाएंगे, क्योंकि वो स्केलेटन वाले चाचा यहाँ पे आ चुके हैं, और हम लोग इस बार इस साइड से जाएंगे। वो देखिए गाइस, मे भी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा रेड रेड, तो स्केलेटन वाले चाचा आ चुके हैं यहाँ पर, और वो दिखाई दे रहे हैं चलते हुए। और हम लोग ये बैक डोर से निकलेंगे यहाँ से, ये सामने गोल्ड पड़ा है उसको भी हम लोग कलेक्ट करते हैं। और हम लोग के टॉर्च की ब्राइटनेस अभी 3 मिनट 20 सेकेंड अभी तक रिमेन रहेगी, सो अभी हम लोग कलेक्ट करते हैं गोल्ड को, और यहाँ से बैक डोर से निकलते हैं, इस साइड से चलते हैं यहाँ से, और यहाँ से राइट लेते हैं, और इसके बाद हम लोग चलते हैं, वो स्टार दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, हम लोग को स्टार के पास चलना होगा, और यहाँ से हम लोग सीधे चलते हैं,
और वो सामने दिखाई दे रहा है स्टार, स्टार के पास हम लोग को जाना है। पूरा अंधेरा अंधेरा, ये लेफ्ट साइड में खाई जैसा दिखाई दे रहा है, उससे बच के रहना पड़ेगा हम लोग को। और ये हम लोग पहुंच गए दबोल के पास, और दबोल के पास से ये अगेन हम लोग वहीं से जहां से स्टार्ट किए थे, ये टॉर्च वाला, यहां से हम लोग रिचार्ज किए थे अपने टॉर्च का ब्राइटनेस, और यहां से फिर आगे हम लोग स्टार के पास। और यहां से ये हम लोग लेफ्ट चलते हैं, यहाँ का गेट का कुछ लुक ऐसा दिखाई देता है, यहाँ पे एक भूतिया डरावना सा स्कल बना हुआ है, यहाँ पे ढेर सारे बच्चे आए हुए हैं जू में, जो कि इसके स्केलेटन वाले चाचा ने सबको मार के स्केलेटन बना दिया है। और यहाँ पे मेगा इन है पास में, और ये देखिए गाइस, बच्चों को मार मार के इसने स्केलेटन बना दिया है यहाँ पे। और यहाँ से हम लोग ये ब्रिज दिखाई दे रहा है, ओवर ब्रिज, इस पे चलते हैं ऊपर की साइड, और यहाँ से ऊपर चलते हैं। और यस, और यहाँ से लेफ्ट जाना नहीं, राइट चलते हैं, बट राइट तो राइट भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, राइट नहीं चलना है गाइस, हमें शायद अंदर की ओर चलना है, अंदर के साइड, हाँ इधर से चलना है इधर, और यहाँ से लेफ्ट लेंगे और लेडर्स के ऊपर चढ़ेंगे, और यहाँ से फिर अगेन लेफ्ट और अगेन लेफ्ट। और हाँ गाइज, यहाँ में आ गए, और यहाँ से ये की दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग पिक करेंगे, और यहाँ से पिक करने के आफ्टर हम पैक आ जाएंगे। और फिर देखिए गाइज, मैंने दूसरा की उठाया तो फिर अगेन राइट कॉर्नर पे वो एरो फिर से अगेन आ गया। अब हमें अगेन उस एरो को फॉलो करते हुए चलना है, और हमारे टॉर्च के लाइट भी, ब्राइटनेस भी जाने वाली है, 20 सेकेंड रिमेन है, सो हमें रिचार्ज भी जल्दी से करना पड़ेगा, बट चलते हैं अभी, अभी कोई दिक्कत नहीं है हमें। और यहाँ से लेफ्ट चलेंगे, और ये सीधे स्ट्रेट एरो के अकॉर्डिंग, और यहाँ से जंप करते हुए चलते हैं, फास्ट थोड़ा चलेंगे, यहाँ से जंप करने से हमको लगता है कि फास्ट थोड़ा चलता है कैरेक्टर। और यहाँ से लेफ्ट लेंगे, और यहाँ से इसमें निकाल ले क्या, अरे फंस गया क्या, चल जा चल जा चल जा, यहाँ से हाँ निकल गया मैं। और यहाँ से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बुल, और यहाँ पे डायमंड, डायमंड ले लेते हैं डायमंड। ये गाइस, ये स्क्वायर जैसा दिखाई दे रहा है, जब स्केलेटन आता है तो स्क्वायर वाले पे जाके छिप सकते हैं हम लोग। और यहाँ से गोल्ड कलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से ये 100 गोल्ड कलेक्ट किया, और यहाँ से फिर एरो के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ से सीधे चलते हैं, मे भी कहीं और गोल्ड मिल जाए पास में तो उसको कलेक्ट करते हुए। यहाँ पे गोल्ड है, गोल्ड है गाइस, 300 गोल्ड पे टॉर्च की 5 मिनट के लिए ब्राइटनेस रहती है, सो गोल्ड कलेक्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम लोग 1 डोर खोले हुए हैं, अभी 3 डोर्स अभी अनलॉक करने बाकी हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी इस गोल्ड की। सो यहाँ से इस साइड से चलते हैं गाइज, वो दिखाई दे रहा है रेड रेड छोटा सा एरो, ये टावर के नीचे वो स्केलेटन चल रहा है वहाँ से। सो हमें दिखाई दे रहा है आप लोगों को गाइज, शायद आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, बट वो स्केलेटन चल रहा है, ये टावर के नीचे रेड कलर का दिखाई दे रहा होगा। सो हम लोग को इस साइड से चलना होगा, क्योंकि स्केलेटन के पास जाने पे वो दौड़ के आ जाता है उसको, वो ग्रैनी और एविल नन जैसा नहीं है कि उसके पास जाने पे वो मारेगा, ये दूर से भी अगर इसको ब्राइटनेस पता चल जाएगी टॉर्च की तो ये दौड़ते हुए आता है और मार देता है। सो यहाँ से हम लोग यहाँ से इस साइड से निकलेंगे, और हाँ यहाँ से चलते हैं, और बैक डोर से हम लोग जाएंगे, फ्रंट डोर से नहीं जाएंगे, क्योंकि वो फ्रंट डोर पे ही खड़ा हुआ है।
तो यहाँ से हम लोग ये बैक डोर चले। यहाँ पे राइट साइड वो खाई है, तो उससे बच के उसको ध्यान देना है अंधेरे में। यहाँ से हाँ ये है सामने, हम लोग को एरो करेक्ट हो गया, एरो स्ट्रेट है। हाँ ये बैक डोर है, और यहाँ से बैक डोर पे चलते हैं। इसके लेफ्ट साइड जाके राइट टर्न करने पे फ्रंट डोर है, बट हम लोग यहाँ से जंप करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा फंस जाता है क्योंकि एक जो कैरेक्टर है वो एक चाइल्ड है, तो चाइल्ड छोटा है, वो चल नहीं पाता है, तो उसको जंप करा के यहाँ से निकालना पड़ेगा। और गाइज हम लोग के होम पे यहाँ पे भी एक टॉर्च का रिचार्ज करने का है ब्राइटनेस को, तो यहाँ पे हम लोग टॉर्च को फिर से रिचार्ज करते हैं तो ब्राइटनेस हम लोग का फिर से बढ़ जाएगा। और यहाँ से आप लोग अंदर चलते हैं और यहाँ से सेकेंड गेट ओपन करते हैं, यहाँ से राइट, और ये अपना सेकेंड गेट ओपन हो गया, सेकेंड लॉक अनलॉक हो गया। और ये चाचा यहाँ पे आ गए हैं क्या, स्केलेटन वाले एक चले गए, थोड़ा चल के देखते हैं कहाँ है। आवाज़ तो नहीं आ रही इनकी, ये लग रहा है चाचा चले गए, स्केलेटन वाले शायद बैक डोर पे चले गए हैं। तो हम लोग फ्रंट डोर से निकलते हैं और इस साइड चलते हैं। हाँ ये लेफ्ट साइड वाले डोर पे चले गए हैं, बैक डोर पे, चल के दिखाता हूँ गाइस, वेट। ये डायमंड ले लेते हैं, यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं, और ये हाँ कलेक्ट हो गया। और यहाँ से रास्ता है क्या, इसमें से निकल जाएंगे? अरे ये क्या हो गया, गोल गोल घूमने लगे, है नहीं क्या रास्ता यहाँ से? अच्छा इधर से है एग्ज़िट। और ये हमें ट्रैक पकड़ के चलना होगा और ध्यान से, क्योंकि स्केलेटन वाले चाचा नज़दीकी में है, और ट्रैक पकड़ के हम लोग चलते हैं। और ट्रैक पे भी गोल्ड है, ध्यान देना है लेफ्ट साइड राइट साइड, ये पूरा खाई जैसा है। और यहाँ से स्टार जो था, स्टार वाला हाउस, उसके सामने ये वाला हाउस है। और ये ट्रैक से चलते हैं और ये वाले हाउस में इस बार हम लोग को एंटर करना है। अपने पास 2.5 मिनट है टॉर्च का, तो हमें जल्दी से जाके जल्दी से निकलना है, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे हैमर रखा हुआ है जो कि हम लोग के काम का नहीं है, सो हम लोग यहाँ जाते हैं। ये मूवी थिएटर जैसा कुछ लगता है, हाँ ये मूवी थिएटर जैसा या कुछ समथिंग वैसा ही है। और यहाँ से हम लोग राइट लेते हैं और यहाँ पे एक और गोल्ड है, उसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। हाँ यहाँ से, और यहाँ से फिर अगेन लेफ्ट लेते हैं, और यहाँ से ये ट्रेन है, पता नहीं ये क्या है, थिएटर या क्या है, इधर से चलते हैं, शायद इधर से निकल जाएगा क्या, नहीं निकलना है, बैक से जाना पड़ेगा हमें यहाँ से। हाँ इस साइड से चलते हैं, और इस साइड से हमें फिर अगेन इस साइड जाना होगा, और ये आगे की ओर जाना पड़ेगा हम लोग को, और फिर से अगेन ट्रैक पे ही चलते हैं। ट्रैक को हमें इस गेम में माइंड करके चलना है, ट्रैक को हमें नहीं छोड़ना है। और ये ट्रैक पे चलते हुए आगे, और ट्रैक पे अगेन ये डायमंड है, इसको कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं जू में, जो कि स्केलेटन ने सबको मार दिया है। और ये दिखाते हो गाइस, ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, सबको मार दिया है स्केलेटन ने। और यहाँ पे ये सामने जो स्केलेटन दिखाई दे रहा है, हमें इस वाले फ्लोर पे चलना है, यहाँ से ये यहाँ से लैंड करते हैं, और यहाँ पे यस, और यहाँ से ये लेडर्स दिखाई दे रहे हैं ऊपर, ये सीढ़ियों पे हमें चलना है। यहाँ से इस साइड चलते हैं, और यहाँ से ये कलेक्ट कर लिया गोल्ड, और ये कुछ मूवी थिएटर या फिर समथिंग लाइक दैट कुछ वैसे ही लग रहा है। और यहाँ से उतरते हैं सीढ़ियों से नीचे,
और यहाँ से फिर लेफ्ट, और वो सामने दिखाई दे रहा है, ये कुछ एरो की तरह दिखाई दे रहा है। ये इसको हम लोग लेते हैं, और यहाँ से हम लोग को रिटर्न नहीं जाना है। यहाँ से एक शॉर्ट है तरीका, यहाँ से इस साइड हम लोग आएंगे और यहाँ से जंप करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे ये ट्रैक पे अगेन, जहाँ से हम लोग यहाँ से गए थे पीछे की ओर, और अगेन हम लोग यहाँ पे आ गए ये रो लाइन में, और यहाँ से फिर लेफ्ट लेंगे और रिटर्न हो जाएंगे हम लोग जल्दी से। और फिर देखिए गाइस, जो ही हमने ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फिर से अगेन टॉप राइट कॉर्नर पे अगेन वो एरो आ गया, जिसको हमें फॉलो करते हुए जाना है। और बट मेरी टॉर्च की ब्राइटनेस डाउन होने वाली है, 2-1 टर्न ब्राइटनेस डाउन, बट कोई नहीं, हम लोग जल्दी से वहाँ से आ गए। अब तो हम लोग को रास्ता पता है यहाँ से, और हमें यहाँ से ट्रैक को फॉलो करना है, और वहाँ पे हॉट स्पॉट सामने दिखाई दे रहा है, उसी के सामने ये है हाउस, और यहाँ से हम लोग को अगेन ट्रैक पे फिर से आ जाना है, और यहाँ पे सिर्फ ट्रैक को फॉलो करना है, हम लोग पहुँच जाएंगे अपने यहाँ अपने एग्ज़िट गेट के हाउस पे, एग्ज़िट गेट यहाँ से, और फिर सीधे बस चलते हुए जाना है। ये इस ट्रैक को नहीं छोड़ना है गाइस, इस ट्रैक को नहीं छोड़ना है, और ये राइट जो दिखाई दे रहा है टॉप राइट कॉर्नर पे एरो, उसके अकॉर्डिंग चलते रहना हमेशा। और यहाँ से हम लोग यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे आवाज़ आया, सुन रहे हो गाइस, वो आसपास ही है, वो सामने दिखाई दे रहा है रेड कलर का, डार्क रेड कलर का चल रहा है यहाँ से। सो हम लोग इधर चलते हैं, पहले अपना गेट ओपन करते हैं, उसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं, मैं नहीं मरना चाहता। और यहाँ से राइट लेते हैं, और ये अपना एरो एकदम स्ट्रेट हो गया, और सामने स्ट्रेट सामने पे यहाँ पे अपन का गेट भी आ गया यहाँ पे, और यहाँ से ये इंटर करते हैं, और ये थर्ड गेट ओपन करते हैं, ये अपना थर्ड भी अनलॉक हो गया। और यहाँ से फिर अगेन ये मेन गेट से निकलते हैं, क्योंकि वो सेकंड गेट पे, वो बैक गेट पे है ऑलरेडी वहाँ पे। और ये अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ से लेफ्ट लेते हैं, और यहाँ से हम लोग को अभी अपना टॉर्च का लाइट भी रिचार्ज करना होगा, उसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा, ब्राइटनेस बहुत ही लो है, देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बट यहाँ से सीधे चलते हैं, यहाँ पे ये बैक गेट के आसपास वो है, वो रेड दिखाई दे रहा है, वो उधर साइड जा रहा है, चल के दिखाता हूँ गाइस, वो दिखाई दे रहा है, वो चल रहा है, यहाँ से आवाज़ भी आया होगा उसका, निकलते हैं हम लोग यहाँ से अपना। फिर से उसका ज़ोर से आवाज़ आया, वो आसपास रहता है तो उसका आवाज़ सुनाई देता रहता है, तो उससे आइडिया लग जाता है कि वो आसपास है, तो हम लोग को अलर्ट हो जाना चाहिए। और यहाँ से अब हम लोग के पास फोर्थ की के लिए हम लोग चलते हैं सलून के पास, सलून के पास नहीं, सलून में ही है, तो सलून ये सामने वाला स्टार वाले हाउस से उसके जस्ट सामने रोड पे है, और उससे पहले हम लोग को पहले अपना अपग्रेड करना पड़ेगा टॉर्च की लाइट, तो ये हम लोग चलते हैं यहाँ से और ये अपग्रेड करते हैं, और फिर फोर्थ की के लिए चलेंगे। और यहाँ से हुआ अपन का फिर अपग्रेड, और यहाँ से लेफ्ट चलते हैं, और ये लेफ्ट सामने सलून होगा, फिर सलून में इंटर करते हैं, यहाँ से सीधे चलेंगे, और वो सामने सलून दिखाई दे रहा है, और यहाँ से देखिए गाइस, ये स्टार वाले के सामने रोड पे सलून है, स्टार वाले हाउस के, और यहाँ से सलून पे ही अपना फोर्थ की मिलेगा,
और ये हम लोग जंप करते हुए चलते हैं। जंप करने से फ़ायदा होता है कि थोड़ा सा हमको जहाँ तक लगता है कि थोड़ा फास्ट कैरेक्टर चलते हैं। और यहाँ चेयर्स दिखाई दे रही हैं, इस पर भी फॉरवर्ड क्लिक करते हुए जंप करने पे ये आगे वाले टेबल पे चढ़ जाएगा कैरेक्टर। और यहाँ से ये चढ़ जा, वेट, यहाँ से चढ़ाते हैं, फिर से आगे ट्राई करते हैं। और ये आगे फॉरवर्ड करके और जंप करना है, और ये ऊपर चढ़ जा, क्यों, हाँ चढ़ गया फाइनली। और यहाँ से ये पता नहीं, ये कुछ स्वाइप कार्ड जैसा लगता है या फिर ये रिमोट है, पता नहीं है। यहाँ से चढ़ेगा नहीं क्या, यहाँ से फंस गया क्या मैं, नहीं यहाँ से राइट से निकलते हैं हम लोग, राइट से होगा, हाँ राइट से है यहाँ से। और यहाँ से निकलते हैं फाइनली, हम लोग को फोर्थ की भी मिल गया है। पता नहीं ये क्या कार्ड है गाइस या रिमोट है, पता नहीं क्या है, लेकिन हम लोग को फाइनली मिल गया। और फिर हम लोग को टॉप राइट कॉर्नर पे एरो आ गया आगे, और यहाँ से हम लोग सीधे चलते हैं। और अपन के पास 3:20 अभी हम लोग का लाइट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे ये क्या, सामने से तो खा ही आ गया एग। अच्छा हम लोग यहाँ से इधर साइड से लेके निकलते हैं, लेफ्ट साइड से। एरो को ध्यान में देना है बट फिर भी अपने से देखते रहना है कि हमें कहाँ जाना है। एरो तो एक हेल्प के लिए है बट अपन से भी ध्यान देना रहना है। और वहाँ पे हॉट शॉट है, उसी के पास हम लोग को पहुँचना है। हॉट शॉट के पास ये बैक डोर है, तो अगर बैक डोर पे वो होगा स्केलेटन तो वहाँ से नहीं जाएंगे, या नहीं तो फिर इधर से जाएंगे हम लोग फ्रंट गेट से। बट हमें तक जहाँ तक लग रहा है कि वो सामने ही है, सामने है, वो दिखाई दिया। हम लोग इधर से नहीं जाएंगे, हम लोग पीछे ले लेते हैं, पीछे लेफ्ट साइड से जाएंगे फ्रंट गेट से, वो सामने ही है गाइस। यहाँ से इधर से चलते हैं हम लोग, और यहाँ से हाँ इधर से चलते हैं क्योंकि मैं मरना ही नहीं चाहता। अपन के पास फोर्थ की है और फाइनल हम लोग फिनिश करने वाले, एस्केप करने वाले इसको, और वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ से हम लोग चलते हैं, और यहाँ से फिर से आवाज़ आया उसका, वो आस पास है वो सामने, और वेट चल के दिखाते हैं आपको, वो गाइस दिखाई दे रहा है रेट चल रहा है वहाँ पे। वेट आगे चल के आपको दिखाता हूँ, वो दिखाई दे रहा है वो सर्कल बना हुआ है ये ट्री के पास। चलते हैं गाइस, हम लोग फिनिश करने वाले हैं और ये फोर्थ की से हम लोग एस्केप कर जाएंगे। ये ज़ोर से आवाज़ आया, इसको भी क्लीन कर लेते हैं वाटर को। और यहाँ से हम लोग आ गए मेन डोर के पास, और ये लास्ट एंड फाइनल की से ओपन कर लेंगे हम लोग अपने गेट को। और फाइनली ये हम लोग एस्केप हो गए। तो दोस्तों अगर मेरा ये गेम प्ले वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो लाइक कर दो यार, और ऐसे ही गेम प्ले वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल अक्स इंडियन गेम्स को सब्सक्राइब कर दो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।